नमस्ते भाइयों, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, और मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट बस ये ट्रैवल एंड टॉक्स लेके आया हूँ एक नया रोस्ट। जी हाँ, फिर से एक नया रोस्ट लेके आया हूँ, और मैं उसका रोस्ट लेके आया हूँ जिन्होंने ये गाना बनाया। पता नहीं ये गाना है कि बोली है कि क्या है, कि हमारे दिमाग को पागल करने का तरीका है, पता नहीं क्या है, लेकिन है कुछ, मतलब मेरे को भी नहीं पता क्या है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो, और हाँ, जाते जाते आपको लाइक करना है, नए हो तो करो सब्सक्राइब, और यहाँ पे वहीं पे आ रहा होगा मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल का नाम, वहाँ पे करो मेरे को फॉलो, ताकि आप नहीं मिस कर सको मेरी कोई भी अपडेट वहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। तो यार, एक होता है ठीक ठाक गाना, एक होता है ठीक होके गाना गाना, एक होता है पागलों वाला गाना, एक होता है वो आपका पागल होके गाना गाना। लेकिन इन दोनों ने पागल होके गाना गाया। बताता हूँ, तो गाने का नाम है कांटा लगा उइमा 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 उई। जी हाँ, इतना उइमा। अब कांटा मेरे को पता नहीं कहाँ लगा है, ठीक है, मेरे को पता नहीं कहाँ लगा है। तो बढ़ते हैं लिरिक्स के लिए। लिरिक्स है, राजा तेरे महल के पीछे 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 पीछे, हाँ तेरे बगीचे नीचे नीचे क्यों। अबे ये लिरिक्स है, मतलब हद है यार। मतलब एक तो सामने वाले को राजा कह रही है और महल कह रही है, और बाद में पूछ रही है क्यों, महल क्यों है तेरे पास। हद है यार, मतलब राजा की भी वाट लगाई, बगीचे की भी वाट लगाई, महल की भी वाट लगाई। अबे वो राजा है, तेरे को 21 तोपों की सलामी दे दे के मार देगा वो, कोई बात नहीं। फिर आता है कांटा लगा उइमा 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 उ। ये तो वही बात हो गई, वो जेठालाल बागों को कहता नहीं है कि क्या उल्टी आ रही है तेरे को, नहीं, जब वो बाबरी के साथ होता है वो ऐसे, जब वो जेठालाल कहता नहीं है कि ये क्या कर रहा है, उल्टी आ रही है तेरे को, नहीं, फिर वो बागा कहता नहीं है कि नहीं, सेठ जी वो नहीं है, वो है। मतलब इस गाने में ना बागा को लेना चाहिए था ऐसे, एनीवे कांटा लगा उइमा, और फिर से कांटा लगा, बता दो कहाँ लगा, बता तो दो। ये गाना ना मीमर के लिए है, ये गाना मीमर के लिए, हमारे लिए नहीं है। और फिर से उइमा 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 उ। अबे कितना वो करेगी है, कितना वो करोगे। अबे से कांटा लगा, आ कांटा लगा आई 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 आई, कहाँ पे आई, किसकी आई है, जम्मा है ना, आई 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 उ। भाइयों, या तो ये गाना अटल है, ठीक है, या तो हमें दिखाया जा रहा है कि जंगल में मंगल हो रहा है। मतलब लिरिक्स है कांटा लगा आए 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 उ, कांटा लगा आए आए आई 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 उ। इतना अगर उ कहीं और क्या होता ना इन्होंने, तो अभी इनकी फुटबॉल टीम होती। फिर अब रानी पे बात आ गई, रानी मेरे महल के पीछे पीछे पीछे, हाँ जी मेरे बगीचे नीचे नीचे। पहले तुमने राजा की स्क्रूटनिंग की, उसके महल की स्क्रूटनिंग की, अब रानी की स्क्रूटनिंग कर रहे हो। वो तुम्हें इतना मारेगा, इतना टॉर्चर देगा कि क्या बताऊं कितना टॉर्चर देगा। और राजा रानी की प्राइवेसी में तुम क्यों कर रहे हो। फिर से हर एक गाने के बाद
मतलब हर एक लाइन के बाद कांटा लगा उइमा 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 उ, फिर से कांटा लगा उइमा 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 उ। भाई मैं एक लिरिक्स बताता हूँ, रानी मेरे घर के नीचे 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 नाला है काला काला काला, ओ बाला ओ बाला ओ बाला ओ बाला। ये लिरिक्स में अगर दम है, अगर दम है तो गाना बना के दिखाओ। जाननी में बे लिरिक्स है, लिरिक्स है, फिर से बता रहा हूँ, लिरिक्स है, बेबी मेरे घर के नीचे 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 है एक गंदा नाला 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 नाला, ओबाला 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 ओबाला। इसमें दम है ना, इसमें बना के देख रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि सुंदर नारी खरी कवारी आंख मटकाई मटका रही ऊ ऊ। इसकी मैं रोस्टिंग नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरे फेवरेट हनी पाजी ने लिखा है। ये फिर भी रामिंग है, ये फिर भी रामिंग है, कैसे सुनाता हूँ। क्योंकि सुंदर नारी खरी कवारी आंख मटकाए मटका रही ऊ ऊ। अरे लाल तेरी सारी दिखती नारी अद गई गारी क्यों क्यों। धीमे 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 भीगे 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 भिगोने भिगोने दे। देखो भाइयों, 9% ग्रजेस, 9% ग्रजेस हनी मेरा फेवरेट है, उसके बारे में मैं कुछ ही नहीं कहूँगा, ठीक है। उसके बारे में मैं कुछ ही नहीं कहूँगा, पहले बता दूँ, मैं कक्कर के बारे में कहूँगा। हाँ, मैं कक्कर के बारे में कहूँगा, उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा हनी के बारे में, क्योंकि बेचारे ने बहुत मेहनत किया कमबैक करने में। और आ आ टोनी कक्कर गाने के गांव पे नीचे लड़की जरा भी सोए ना ना। मैं बोली यूं यूं ही माँ उइमा 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 ऊ कांटा लगा उइमा उइमा उइमा। मतलब टोनी कक्कर ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए कांटा आना चाहिए। एक कांटा लगा आया था मुझसे शादी करूंगे मैं, जिसमें वो अक्षय कुमार खिलाड़ी खिलाड़ी। और एक कांटा आया है 2021 में, उसमें वो अच्छा था, अक्षय कुमार वाला अच्छा था, लेकिन ये वाला सोसो है, सोसो है। पहले बता दूं, हनी पाजी को मैं कुछ ही नहीं कहूँगा, हनी पाजी के लिए मैं कुछ ही नहीं कह रहा, मैं सिर्फ कक्कर फैन कक्कर को कह रहा हूँ, टोनी और नेहा को, जिसको पता नहीं गाने गाना आता है कि नहीं आता। हाँ, ये ए यो यो हनी सिंह देसी फैक्ट्री ए जी द गैंगस्टर, ये हनी सिंह का वो है, ये हनी सिंह का रैप आया। जाने जहाँ मैं हूँ तेरा शोले का अमजद खान, क्या लिखा है, नचती जा ना यूं परेशान, आज मिटा दूँ तेरा ठिकाना। हनी पाजी ऑल गुड, टोनी कक्कर नेहा कक्कर कुछ कह नहीं सकते। और तो यार गाने में हनी पाजी का सिर्फ लास्ट का डोमिनेट अगर आपने देखा हो। अरे यार, एक बंदे ने कमबैक किया है, उसको आने तो दो ढंग से। देखो, रैप होता है, बंदा आया, ठीक है, गाने के बीच में, वीडियो के बीच में, जैसे 5 मिनट की वीडियो है तो 2 मिनट सिंगर का आएगा, 2 मिनट 3 मिनट वो तेरा आपका 3 मिनट आपका रैपर गाएगा,
है, 3 मिनट रैपर गाएगा और बाकी जो टाइम बचा वो कंबाइंड होगा, ठीक है। लेकिन दोनों ने क्या किया, दोनों ने 5 मिनट के गाने में हनी पाजी को सिर्फ 1 मिनट दिया। 1 मिनट का मतलब 59 सेकेंड्स बस। यार एक बंदा ड्रग से आजाद होके आया है, उसको 2 मिनट तो दो। लेकिन नहीं, उसको 2 मिनट तो दो। उसको तुमने 59 सेकेंड में ही निपटा के टरका दिया कि हनी तू जा, हम लोग संभाल लेंगे। अरे भाई पुराना खिलाड़ी है वो म्यूजिक इंडस्ट्री का, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना अगर आप नए हो तो। और पहले बता दूं, ये वीडियो सिर्फ एक समझाने के लिए थी कि हनी अभी अभी आया है, ठीक है। हनी जो है अभी अभी आया है और उसको 2 मिनट का और गाने का मौका मिलना से चाहिए था। उसको 2 मिनट का और गाने का मौका मिलना चाहिए था, जो कि उसको नहीं मिला, ठीक है। तो दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त बस सी ट्रेवल एंड टॉक्स।